ओए यार, ये मैं आपको बताना भूल गया था। अपना ये ना वो टूट गया था असल में। कैसे टूट गया भाई? हाँ! यार अपना हंसी जा रहे हो यार। भाई मुनीब ने मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया भाई पूरा। मुंह कर थे, मुंह कर, मार अंदर, मार बाहर अंदर। मारो, हमको मारो। ड्रामे ना करिए आज के बाद भाई। भाई ये चक्कर पूरा सत्यानाश कंप्यूटर का किया है भाई। ऊपर से कंप्यूटर टूट गया, आपको व्लॉगिंग की पड़ी है यार। इसी बात पे एक और चप्पल होनी चाहिए आपके दीदी मुंह पे भाई। हेलो जी, जगह देखो, जब से ट्रेडमिल हटी है कितनी खुली खुली हो गई है भाई। अब यहाँ से जो है हमें और भी गंद जो है ना वो भी रिमूव वगैरह करना है। ठीक है, ये गंद है, ये भी गंद है, ठीक है, ये भी गंद है जो रिमूव होगा, फिर जो है ना काफी मजे की ये एक्टिविटी जगह बन जाएगी। फिर इसको हल्का सा हमने रेनोवेट करना है। आई नो के बहुत देर से रेनोवेट रेनोवेट मैंने रोला लगाया हुआ है, कार में कुछ भी नहीं रहा। लोगों को पता है पिछले दिनों दुबई गए हुए थे, फिर उससे पहले शी शेल्स गए हुए थे, फिर उससे पहले जो है टाइम जाया कर रहे थे। अच्छा, तो इसे काम कोम भी तो मकाने होते हैं ना यार। एनीवेज तुम लोग को पता है कि यार हम लोग पिछले दिनों दुबई में थे और रूप बिचारी को हम छोड़ के आए थे दुबई, क्योंकि वो दुबई से पाकिस्तान आ नहीं सकती, क्योंकि तुम लोग को पता है कि मेरा गोल्डन वीजा है 10 साल का, तो उसका भी हमने 10 साल का वीजा अप्लाई करना था ताकि हमें बार बार वीजा लगवा ना जाना पड़े। उस चक्रों में जो है हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग थे और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से ऑफिसेज भी बंद थे, तो आज वो ऑफिस खुल गया भाई। तो ये मेरे निकाहनामा की फाइल है, तुम लोग देख सकते हो, समरी ऑफ मैरिज एड्रेस। तो इसका जो है ना MRC फॉर्म चाहिए था हमें। अब जिन लोगों को नहीं पता कि MRC फॉर्म क्या होता है, तो वो बेसिकली प्रूफ होता है कि डकी भाई की अरूप जितोई से शादी हुई है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। असल में जो है ना दुबई वाले यकीन नहीं कर रहे थे कि इस फुद्दू से इंसान को लड़की मिल कैसे गई, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कोई प्रूफ लाके दिखाओ कि यार आप जैसी शक्ल को भी किसी ने कबूल कर लिया। यार बात तो सही है। तो अभी जो है ना हमें डॉक्यूमेंट पिक करने जाना है, ठीक है, ऑफिसेस खुले हुए हैं, उससे पहले कि बंद हो जाए निकाहनामा पकड़ते हैं अपना और निकलते हैं भाई। ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। मुनीब को हम लोग साथ ले आए हैं। घूमने शूमने वाली जगह भी ले जाया करो यार, काम के दौरान ले जाए तो मुझे काम के दौरान ही कभी अक्सर गाड़ी में कपड़ा फेरना पड़ जाता है और गाड़ी का दरवाजा भी तो खोलने के लिए मुझे लड़के लड़के चाहिए है ना, उसके लिए आपको लेके आया हूं। आज के बाद मुनीब आप मुझे साफ साफ करके बुलाया करो। कलाम साहब। ओके साहब। और ड्राइव आप करो, मैं पीछे बैठूंगा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बैठता है। भाई मुनीब को हमने काम पे रख रही है सैलरी पूरे 1500 रुपए पर ईयर। चलो आप रुको, मैं आया 2 मिनट। भाई मैं इधर फॉर्म कलेक्ट करने आया हूँ, ये तो उन्होंने मुझे मंडी में भेज दिया भाई। लेवल का ऑफिस भाई। वाह भाई वाह, ऑफिस के हालात देखें, फुल टिप टॉप प्रोटोकॉल के साथ जो है ना डक्की भाई का काम हो रहा है भाई। Several bad puns later. ऑफिस बंद है भाई, वो कह रहे हैं मंडे को आओ, टाइम ही जाया हो गया सारा का सारा। भाई अगर आज हमें डॉक्यूमेंट शॉक्यूमेंट मिल जाते तो फिर मैं कल ही आके रूप को पिक करके ले आता दुबई। अब मंडे तक चलेगी ये बात यार। A few inches later. ये क्या किया है? ओए यार, ये मैं आपको बताना भूल गया था। अपना ये ना वो टूट गया था असल में। कैसे टूट गया भाई? यार अपना हंसी जा रहे हो यार। भाई मुनीब ने मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया भाई पूरा। अबे कुछ नहीं हुआ, वो शीशा टूटा है बस, ऐसे पकड़ के जो है लगा रहे थे वो हाथ में टूट गया अपने आप। मुनीब आप में कौन सा खंजर लगे हुए जो हाथ में टूट गया? ड्रामेबाजी यार भाई, इसने मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया। अच्छा भला मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करके पसीने खून पसीना बहा के मैंने कंप्यूटर लिया था, इसने तोड़ दिया सारा। यार शीशा ही टूटा ना, वो नया लग जाएगा अपना बन जाएगा। तो लगा के लाओ ना आप, बनवाने दिया वो टेंशन ही लेने लग जाएगा। नहीं टेंशन नहीं दे रहा ना, टेंशन दूं तुम्हें है। मैंने तुम आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बाबा को मैंने क्या करना है भाई, कंप्यूटर तोड़ दिया मेरा यार। अंदर बार अंदर बार, मैं तेनू दसना भाई। रुक तेरे को बताता हूं। क्या मतलब खुद ही टूट गया? मैं भी बताता हूँ, ये खुद ही हो रहा है भाई, ये खुद ही हो रहा है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हेडफोन उतार। ओके ये भी टूट जाना आपका, ये भी टूट जाना आपका। हाँ खुद ही हो रहा है ना, ये खुद ही हो रहा है सारा। अभी मैं आपकी पार के आदमी दे दूं, मैं कहूँ खुद ही हो गया है। ड्रामेबाजी भाई, मेरा मेहनत मजदूरी से कमाया गया कंप्यूटर जो मैंने अपने पैसों से पहले लिया था, उसका सत्यानाश इसने कर दिया भाई। शीशा टूटा यार, सेफ्टी ग्लास था वैसे भी, वो लग जाएगा नया। कोई नहीं, मैं भी आपकी हड्डियां तोड़ देता हूँ, लग जाएगा नया है। नहीं लगा देते हैं, मैं भी तोड़ दूं। हंसी जा रहे हो, मुंह कर इथे, खर इथे, मुंह कर इथे, मुंह कर, मार अंदर, मार बाहर अंदर।
ड्रामे ना करिए आज के बाद भाई। था क्या ऐसा यार, मैं नया नया पूछा मैंने कुछ। भाई जान ये मेरा बड़ा प्यारा कंप्यूटर था ठीक है, इसके यहाँ पे जो है ना शीशा लगा हुआ था बिल्कुल इस तरह का। अब ये देखो शीशा लगा हुआ है, साफ सुथरा लग रहा है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने पकड़ा हुआ था टूट गया है। ड्रामेबाजी कोई स्टोरी तो अच्छी बनाओ। बात तो सही है, मैं अल्लाह की कसम हाथ में पकड़ा। दिखाओ कैसे यार, मैंने व्लॉग बनाया था यार उसका पूरा उसमें मैंने दिखाया था। दिखा ये क्या बदतमीजी है मनीर। ये देखो ना ये क्या किया भाई। भाई ये चक्कर पूरा सत्यानाश कंप्यूटर का किया भाई। ऊपर से कंप्यूटर टूट गया, आपको व्लॉगिंग की पड़ी है यार। इसी बात पे एक और चप्पल होनी चाहिए आपके दीदी मुंह पे भाई। ये क्या बदतमीजी है कि पकड़ा हुआ था टूट गया, मैं ही पकड़ता हूँ टूट जाएगा भाई। भाई साहब देखो मेरे कंप्यूटर का सत्यानाश कर दिया। मेरे सारे हाथों में से खून निकल रहा है, सारे हाथों में से एक नुक्ता लगा हुआ है खून का। ड्रामे बाजी काकों की तरह रोना शुरू कर दिया है। ड्रामे लगाई जा रहे हो, खुद ही तोड़ के फिर आगे से बकवास भी करे मेरे सामने भाई। भाई ये चेक करने से ड्रामे बाजी क्या लगाई है। ये जो है मैं शीशा लगा रहा हूँ कंप्यूटर के केस का, ये देखना ये टूट गया, ये ऐसे टूटा हमारा शीशा, ये देखिए। मुनीब क्या ड्रामे बाजी लगाई भाई, ये कैसे टूट गया भाई। दिखाया ना मैंने प्रूफ दिखाया पूरा पॉटी करके। आप हाथ नहीं होते उसके बाद आपके हाथ जब जम जाते हैं तो पत्थर जैसे हाथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से शीशा टूट गया यार। ड्रामे बाजी आज के बाद मेरे किसी चीज को हाथ लगाना भाई। चुप कर कुत्ते, ऊपर से व्लॉगिंग करने लगे हुए हो भाई आप। अपना मेरा कंप्यूटर तोड़ के अपना कंटेंट निकालने के चक्करों में हो। चुप करके जाके मिस्त्री के पास जाते शीशा लेके आते। अभी भी इतना टाइम हो गया आपने शीशा भी नहीं लगाया, ये नंगा पड़ा हुआ कंप्यूटर भाई। आपको नंगा कर दे अच्छा लगेगा। हाथ में पकड़ा हुआ था टूट गया, ये नई स्टोरी आ गई है कि हाथ में पकड़ो तो टूट जाता है भाई। भाई कोई भी चीज मेरे इस्तेमाल में नहीं ना होती, मैं मुनीब को दे देता हूँ ठीक है, लेकिन आज के बाद जो है ना मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी जो आप खराब कर दो। अच्छा भला मेरा कंप्यूटर था इतना स्टाइलिश स्मैक्सी लाइटें शाइटें सारा सत्यानाश कर दिया भाई। अब इसका शीशा नया लेना पड़ेगा किसी मिस्त्री को जाके, जो है ना कहते हैं इसकी कटिंग करके जो है ना इसका शीशा लगा दे। वैसे ये काम आपका होना चाहिए था ना कि मेरी हड्डी को होनी चाहिए थी। अब तक शीशा लग चुका होना चाहिए था भाई। तो कोई नहीं ना, करवा लेंगे आपकी भी ट्यूनिंग करवाते हैं अभी। अभी एक काम करो जल्दी से एक बड़ा सा डब्बा ढूंढ के लाओ ठीक है, उसके अंदर जो है ना मैंने मामा बाबा का मिस्ट्री बॉक्स के अंदर जो है ना उसके सामान रखना है मैंने। अच्छा, थोड़ा सेट करना है। ठीक है अभी जा भाई, अभी जो है ना खाली डब्बा हमें ढूंढना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है ना दुबई से मिस्ट्री बॉक्स तैयार किया है अम्मी अब्बू का, उसको जो है ना कोई प्यारा सा पैक करके जो है ना उसको लेके आना है, लेकिन अभी कोई डब्बा मिल नहीं रहा है। मैं अभी स्टोर पे आया हूँ, यहाँ पे बस कपड़े कुपड़े पड़े हुए हैं ठीक है, लगेज वगेज पड़ा हुआ है, सामान सून पड़ा हुआ है, लेकिन डब्बा हमारे काम का मिल नहीं रहा है। एक डब्बा पड़ा है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत छोटा है। कोई काम का डब्बा मिल जाए ना बस एक, ये साल कुछ जूतों के डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं ठीक है, लेकिन हमारे काम का कोई डब्बा नहीं पड़ा हुआ। अ फ्यू इंचेस लेटर ये देखो एक मिला है खाली डब्बा। ओए हां ये ठीक है, सॉलिड भी है, इसके अंदर आ जाएगा ना सारा। बस ठीक है आओ जी ऊपर आ जाओ जी। तो ये हमारा मिस्ट्री बॉक्स का सामान भरा हुआ है, इसके अंदर अभी और भी चीजें ऐड होनी है, ये तो छोटी मोटी हैं। और ये हमें डब्बा मिला है ठीक है, इसको जो है ना सजा के इसमें सामान सामान रख के गिफ्ट पैक करके फिर कल जो है ना फिर मैं सरप्राइज दूंगा लेवल का। हम लोग मिस्ट्री बॉक्स का सरप्राइज आज ही देते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी आनी है जो फिर सब इकट्ठे रख देंगे सब कुछ। और अगर ये डब्बा छोटा पड़ गया तो फिर ये लगेज तो तुम लोगों को पता है हमारे पास है डब्बा लेवल का। एनीवेज लाइक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की बाय व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। जो काम करने आए थे हम लोग पाकिस्तान वो बड़ा डिले हो जा रहा है यार। और वो भी नहीं है हमारे साथ, उसका भी अभी कुछ प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से जो है ना करें काम शाम, बहुत फंसे हुए हैं भाई। एनीवेज लाइक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की बाय व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल।